आज हम जा रहे हैं शर्लिन चोपड़ा जी के घर. जी हाँ, शी हैज बीन अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ पाहिल रोहतगी इन लॉकअप एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज शी डज नॉट नो मी दैट वेल. मैं उनको जानती थी बिफोर गोइंग टू लॉकअप बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट द वे शी सपोर्टेड मी एंड द वे शी शावर्ड हर लव टू मी, आई थिंक आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड. एंड मेरी वेडिंग के रिसेप्शन पे आई वॉन्टेड हर टू बी अ पार्ट ऑफ माई हैप्पीनेस. आई एम गोइंग टू हर हाउस टू पर्सनली इन्वाइट हर एंड आई होप टू सी हर ऑन 27th. हम कल गए थे बेटी एक इनिशिएटिव के इवेंट पर, वो अनुरंजन जी ने ऑर्गेनाइज किया था. अनुरंजन जी को हमने बहुत सालों से जानते हैं, उनको और उनके हस्बैंड शशि जी को. इट वाज अ प्लेजर टू मीट देम. इट वुड बी ग्रेट इफ आई कुड शेयर माय हैप्पीनेस ऑन 27th ऑफ दिस मंथ विद देम ऑन माय रिसेप्शन एंड क्रिएट अ मेमोरी बिकॉज अनु जी संग्राम जी को बहुत पसंद करती हैं एंड शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी. And I'm very, very happy that she has been continuously supporting and making efforts for Beti, an initiative which obviously talks about women empowerment. So, abhi hum Sharlin ji ke ghar par hai. She has a beautiful house. Itna bada ghar hai ki mujhe dekhkar bahut khushi hui. Juhu mein ghar hai unka. And Sharlin ji, khud hi stool la rahi hai. One second. Main footage काट को बोल रही हूँ कि मेरा जो इनवाइट बॉक्स है उसको कैमरा के सामने हम खोलेंगे एंड हम एक्सप्रेशन कैमरा के सामने शेयर करेंगे बिकॉज आई टोल्ड यू जस्ट लाइक इन द कार दैट शी सपोर्टेड मी इन लॉकअप एंड आई वॉज सो सो ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म्ड बाय हर सपोर्ट बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला वी वर नॉट ग्रेट फ्रेंड्स बट उसने मुझे सपोर्ट किया एंड एज अ वुमन आई थिंक दैट वॉज वेरी वेरी नाइस. सो दैट्स शर्लिन. What I love about this babe is that ये दूसरों से अपने कच्चे नहीं दिलवाती है. Oh my God, no controversy. No seriously, I mean, कौन दिलवाता है यार अपने कच्चे, खास तौर पर किसी लड़की से. छी यार छी आँखों. Oh my God. ओके शर्लिन जी ने लॉकअप शो देखा है एंड लॉकअप सीजन 1 की असली विजेता है द वन एंड ओनली शेरनी पायल रोहतगी. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ओके, हमको अभी नॉन कंट्रोवर्सी में रहना है बिकॉज संग्राम जी ने मुझे बोला है कि मेरे रिसेप्शन तक पायल तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करने वाली. मैंने बोला ठीक है. सो शर्लिन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई रिसेप्शन and I would really love to share this memory with you. Yes. And now I'll just show you the invite box jo hum aapke liye lekar aaye hain. That is the box, Sharlin. You can open it. It's for you. Payal K. Sangram. Yes. Khulega, 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 khulega. It's not a joke. Don't worry. Ye koi prank nahi hai. Nahi, ye prank nahi. So that's the. Oh my God. Yes, that's the invitation card. क्या बात. लाओ ये मैं पकड़ लेती हूँ. एंड एड्रेस नहीं खाना. एड्रेस इज ओनली फॉर यू. ओके We request your honorable self to grace the auspicious occasion to bless us with your presence, the wedding reception of the one and only Sharlin Payal K. Sangram. Please join us to celebrate this beautiful, soulful union. वाह क्या बात. वाह क्या बात है. क्या लग रही है. देखो ना, देखो ना, देखो ना. थैंक यू, थैंक यू. आपके लिए एक कप बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर. दिस इज जस्ट सम कैलोरी थिंग. ठीक है. आप रोज सुबह चाय कॉफी. चाय नहीं, प्रोटीन. प्रोटीन, हाँ, आप प्रोटीन वाली जोन है. यस, इसमें हम रोज प्रोटीन पियेंगे. और आपके लिए गणपति जी का मूर्ति. गणपति जी, पिछले साल मैंने पहली बार गणेश जी को बिठाया घर पर. Okay. डेढ़ दिन के लिए और इस साल 3 दिन के लिए बिठाऊंगी. ये मेरे गनु जी. गणपति जी आपकी लाइफ से सारे विघ्न दूर करें, हम सबकी लाइफ से विघ्न दूर करें बिकॉज भगवान जी से बड़ा कोई नहीं है. बिल्कुल, है ना. गणपति पप्पा मोरिया. एंड आपके लिए एक ईवल आय है. एक मिनट, ईवल आए कि आपको किसी की नजर ना लगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. कहते हैं कि ईवल आई ब्रेसलेट
खुद से लेकर पहनना उतना शुभ नहीं होता जितना कि अगर कोई आपका खास दोस्त आपको गिफ्ट करे, उसका जो फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो बहुत बहुत गहरा होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू शर्लिन. थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट. यू डिजर्व इट एंड मच मोर. एंड मुझे समझ में नहीं आया, लॉकअप सीजन वन में आप यू नो आप कभी कभी ऐसे उदास होकर ये क्यों सोचती थी कि कोई आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता. और मैं यहाँ से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, अरे अखा देश तुमको पसंद करता है, लाइक करता है, कम ऑन शेयर अ बेब, वी आर देयर फॉर यू, वी लव यू. क्योंकि वहां पर ना हमने देखा कि कैसे आप हर दिन योगा से शुरुआत करते थे, हर दिन की शुरुआत. एंड ना सिर्फ योगा, आप पकवान में भी रुचि रखती हैं, स्वादिष्ट आलू मेथी बनाती हैं आप. हाँ, आपका आलू मेथी वर्ल्ड फेमस हो गया है. एंड घर का काम भी करती हैं. बेसिकली यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन, नॉट लोगों की तरह जो सुबह शाम यू नो लाश की तरह, पेशेंट की तरह बैठे रहते हैं, बेड पर हिलते नहीं है. हाँ, बस कैलोरीज बढ़ाते रहते हैं, दूसरों से अपने कच्छे धुलवाते हैं, पोछा लगवाते हैं. मुझे वोट्स नहीं आते थे, ऐसा कहा जाता था एवरी वीकेंड. द एलिमिनेशन में कहते थे कि आई एम इन द बॉटम टू. सो बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू से कि मैं इतनी बुरी हूँ, मुझे वोट्स ही नहीं आते. तो वो जो जोन था, वो जोन मैं समझ नहीं पाई. दैट इज व्हाई प्रोबेबली आई हैड दैट फीलिंग. बट नाउ वंस आई एम आउट एंड आई नो दैट ऑल यू गाइस आर सपोर्टिंग मी, आई एम सो सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. And I'll see you at the reception. Yeah, और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ. I don't know if I should say this now or you know maybe later. I'm highly disappointed in Kangana. उन्होंने एक ऐसे इंसान को तवज्जो दिया, एक ऐसे इंसान को प्रमोट किया एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिन्होंने हमारी देवी देवताओं का निरादर किया, अपमान किया. ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए. क्योंकि देखो, हम भारत को सेक्युलर कहते हैं. अगर हम किसी मजहब के बारे में टिप्पणी करते हैं तो सहजता से जुदा होने का खतरा होता है. और ये लोग बिंदास अपने कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर या नहीं तो यू नो कोई फेस्टिवल में जाकर हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे धर्म का, हमारे हमारी आस्था का अपमान करते हैं, हमको ठेस पहुंचाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो चलता है, एटीट्यूड है इन लोगों का, ये खत्म होना चाहिए. तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब नहीं चलेगा, अब हम नहीं चलने देंगे. ओके. सो नाउ वी गेट बैक टू द लवली जोन ऑफ एंजॉयिंग माय रिसेप्शन एंड वी होप दैट वी बॉन्ड एंड शेयर मेमोरीज ऑन 27th. ठीक है, सी यू. See you, Sherlyn. Take care. Thank you.